बैकलाइट एंड सनसेट वाली फोटोज़ आप सभी लोगों की फेवरेट है, एंड मैं जब भी इस टाइप की फोटोज इंस्टा पे पोस्ट करता हूँ बहुत सारे लाइक्स एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। एंड रिसेंटली यही हुआ, मैंने इस फोटो को पोस्ट किया एंड यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि यार आपने इस फोटो को एडिट कैसे किया, क्योंकि इस फोटो में जो पीछे से सनलाइट आ रही थी वो बहुत ही कमाल लग रही थी। एंड आई नो कि आप लोगों को भी जानना है कैसे आप बैकलाइट वाली फोटोज़ को एडिट कर सकते हो, एंड जो बैकग्राउंड से आपको थोड़ी सी लाइटिंग्स मिले उसको आप कैसे और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो ताकि आपकी फोटो और ज़्यादा क्लासिक लगे। तो इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कैसे आप इस टाइप की फोटो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो एंड इसमें लाइट्स को कैसे आप एनहांस कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए आए हो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐसी बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स फोटो एडिटिंग एंड फोटो शूट से रिलेटेड मैं डालते रहता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले आपको इस टाइप की फोटो कब क्लिक करनी है, जो मेन टाइम इस टाइप की फोटो क्लिक करने को होता है वो है आपका गोल्डन आवर्स वाला टाइम, जहाँ पे आपको बैकलाइट बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलती है, क्योंकि दोपहर में लाइटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एंड इस टाइप की फोटो के लिए आपको उस टाइम पर फोटो क्लिक करनी है जब आपका सनसेट होने वाला हो या सनसेट से पहले के 10-15 मिनट जो होते हैं उस टाइम पर लाइट बहुत ही मस्त एक गोल्डन कलर की रहती है। तो उस लाइट को आपको अपनी फोटो के बैकग्राउंड में लेना है एंड उससे आपकी फोटो में एक एजेस या फिर एक रिम लाइट क्रिएट हो जाएंगी। एंड अगर आपको अपनी फोटो सामने से बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज लग रही हो तो डोंट वरी, फोटो को आप रॉ में क्लिक करना, एंड रॉ में क्लिक करने के बाद आप अपनी फोटो की डिटेल को रिकवर कर लोगे। हालांकि मेरी फोटो में यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि जहाँ पे हम फोटो क्लिक कर रहे थे वहाँ पे फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी खासी लाइटिंग्स थी, तो बैकलाइट एंड फ्रंट लाइट काफ़ी अच्छा आ गया बिना किसी फ्लैश का, एंड मतलब बिल्कुल नेचुरल लाइट का यूज़ करके। तो शूट करके हमारी फोटो ऐसी तो बन गई थी, लेकिन इसको एडिट करना भी बहुत जरूरी था क्योंकि हमारी लाइटिंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसको हमें और एनहांस करना है, प्लस इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है ताकि ये जो कलर कॉम्बिनेशन की फोटो का बने एंड फाइनल फोटो हमारी काफ़ी कमाल की लगे। तो चलिए जानते हैं कैसे आप इस फोटो को फोन के अंदर ही एडिट कर सकते हैं। सो भाई ये है हमारी फोटो एंड इसको हम यहाँ से करते हैं शेयर एंड इसको ओपन करते हैं लाइट रूम मोबाइल के अंदर। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको किसी भी फोटो में लाइट्स को देखना है क्या उसमें लाइट्स परफेक्ट है या नहीं। जैसे इस फोटो में देखिए लाइट्स तो फिलहाल ठीक ठाक लग रही है, बट थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा है फेस पे, तो इसको हम सही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे इस वाले टाइप के अंदर एंड यहाँ से हम क्या करेंगे शेडोज़ को बढ़ा देंगे। तो इसे देखिए फेस के नीचे जो डार्कनेस थी वो हमारी वापस रिकवर हो चुकी है, लेकिन इससे दिक्कत क्या है कि हमारी फोटो बहुत ज़्यादा फीकी हो चुकी है, तो इसको हम कैसे रिकवर करेंगे, हम इसके जो है ब्लैक्स को कम कर देंगे। तो सही है, इसके बाद इसके हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा कम करते हैं एंड ओवरऑल फोटो यहाँ पे काफ़ी सही हमारी बन चुकी है, जो डार्कनेस थी फेस के नीचे वो सही हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अपनी फोटो में वाइट बैलेंस देखना कि क्या वो परफेक्ट है या नहीं। जैसे आप इस फोटो को देखिए, अगर आप इसको बिल्कुल पहली बार देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये फोटो बहुत ज़्यादा है ना ब्लू सी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पर्पल टोन में या फिर ब्लू टोन में लग रही है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। यहाँ से इसका टेम्परेचर पहले तो बहुत ज़्यादा कम लग रहा है जो कि ब्लू है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये हमारा बिल्कुल रेड वाली टोन में आ जाएगा एंड इससे हमारे जो बैकग्राउंड में लाइटिंग्स है जो सनसेट वाली लाइट आ रही है वो और ज़्यादा मस्त दिखेगी। ठीक है, तो ये हमने रेड टोन में कर दिया है। इसके अलावा अगर आपका टिंट भी ख़राब है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, हालांकि मेरा यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, इसको हम नॉर्मली रखेंगे और आप इसका वाइब्रेंस भी बढ़ा देंगे ताकि आपकी फोटो में कलर्स थोड़े से वापस आ जाएं। एंड देखिए यहाँ पे सिर्फ इन दो स्टेप्स के बाद हमारी फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड मतलब अगर आप इस फोटो को ऐसे भी पोस्ट करोगे तो आपकी फोटो बिल्कुल ही परफेक्ट लगेगी। बट हाँ, इसमें अगर आपको और क्रिएटिविटी अपनी दिखानी तो कलर ग्रेडिंग इसमें करनी होगी, एंड वो कैसे करनी है बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले चलना है यहाँ से इस वाले टाइप के अंदर एंड यहाँ पे सारे आपके सामने कलर खुल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरी फोटो में ना सिर्फ एक ऑरेंज टोन रहे और ऑरेंज कलर के अलावा बाकी कोई कलर ना रहे, तो हमें क्या करना है ऑरेंज के बाद जो येलो कलर है इसको हम थोड़ा सैचुरेशन कम कर देंगे एंड जो हमारी फोटो में नीचे ग्रास दिख रही है ये थोड़ी सी मस्त लग जाएगी डिसैचुरेशन वाली। जो ग्रीन कलर है इसको भी हम कम कर देंगे एंड देखिए ये बिल्कुल डार्क हो चुकी है। तो अब हमारी फोटो में जस्ट जो हमारा ये ऑरेंज कलर था वही दिख रहा है एंड मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हमारा वो वाला कलर भी गायब हो चुका है जो हमारा ऑरेंज कलर है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें येलो कलर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस येलो कलर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसका यू चेंज करते हैं, इसको रखते हैं ऑरेंज। तो सी पूरी फोटो में बिल्कुल मस्त ऑरेंज टोन और सैचुरेशन थोड़ा कम करते हैं इसका, तो ऑरेंज टोन आ रही है पूरी फोटो में, ठीक है, बाकी कोई कलर नहीं है यहाँ पर फोटो में। इसके बाद आपका जो फेस का कलर है अगर आपको थोड़ा सा डल लग रहा है तो आप यहाँ से ऑरेंज में जाके इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ा सकते हैं, बट हाँ ध्यान रखें अगर आप फेस की ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड में लाइटिंग्स है वो भी बढ़ जाएंगी, तो क्योंकि आपके फेस का कलर एंड आपकी बैकग्राउंड से जो लाइट आ रही है वो बिल्कुल ऑरेंज है, तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे हल्का सा और इसका हम सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपकी फोटो में जो भी और कलर है इनको हम डीसैचुरेट कर देंगे, जैसे कि मेरी फोटो में हल्का सा ये वाला कलर है ब्लू कलर, इसको हम बिल्कुल ज़ीरो, इसको भी बिल्कुल ज़ीरो, ये है इसको भी बिल्कुल ज़ीरो। तो देखिए हमारी फोटो में अब और कोई भी कलर नहीं है, जस्ट ऑरेंज एंड हल्का सा ब्लैक। तो डन करते हैं इसको। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है एंड यहाँ से इसकी क्लैरिटी को बढ़ाते हैं पहले, सही लगा। इसके बाद इसका टेक्सचर भी बढ़ाते हैं और इसका विनियट करते हैं थोड़ा सा कम। और ये जो मेरी जीन्स पे कलर था इसमें थोड़ा सा ब्लू टोन था, तो हम क्या करेंगे वापस चलते हैं यहाँ पे ब्लू कलर में एंड इसका मैं ल्यूमिनेंस कम करता ताकि मेरी जीन्स थोड़ी सी डार्क हो जाए। देखिए बहुत सही लग रहा है, ये वाला कलर था इसका ल्यूमिनेंस कम, इसको कहते हैं यहाँ से डन। अब आपको आना यहाँ से कलर ग्रेडिंग के अंदर एंड यहाँ पे आपकी शेडोज, हाईलाइट्स एंड बाकी सभी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हाईलाइट्स के लिए आपको जो है येलो कलर चूज़ करना है, क्योंकि फोटो में हम ये ऑरेंज एंड येलो टोन डाल रहे हैं, तो हाईलाइट पे चलते हैं। यहाँ से पहले इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे और इसका कलर यहाँ से रखेंगे येलो,
इसी स्किन टोन हमारी काफ़ी परफेक्ट लगती है येलो कलर में, तो ये बहुत सही लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है शेडोज़ में। इसका सैचुरेशन एक्चुअली मैं नहीं रखूँगा यार, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक टोन में जा रहा हूँ पूरी फोटो में, इसको ऐसे रखते हैं नॉर्मल। इसका लुमिनेंस हम और कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और ब्लैक हो जाए, ठीक है, डन। एंड जो यहाँ पे येलो कलर था ना, इसका भी मैं सैचुरेशन बिल्कुल कम कर लेता हूँ, क्योंकि यार हल्का सा ना ये ग्रीन कलर आ रहा है यहाँ पे पत्तियों में, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसको बिल्कुल ज़ीरो करते हैं एंड सी, अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारी फोटो में टोन आ चुकी है। अगर आप अपनी फोटो में और ज़्यादा शार्पनेस डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन को रिटच नहीं किया अभी, तो इसलिए स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है यहाँ पे। बट हाँ, स्किन को आप बाद में भी एडिट कर सकते हो, एंड उसके लिए काफ़ी सारी कमाल की ऐप्स हैं, एंड उन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है डेडिकेटेड कि कैसे आप स्किन को स्मूथ कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में आपको स्किन को कैसे स्मूथ करना वो नहीं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सेलेक्टिव एडिटिंग करना। तो सेलेक्टिव में सबसे पहले क्या करेंगे, फेस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं फेस के अराउंड ऐसे, ओके। एंड इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम करते हैं एंड शेडोज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसके बाद डिटेल्स में आएंगे, इसकी क्लैरिटी को कम कर देंगे, टेक्सचर को भी कम। तो स्किन हमारी थोड़ी सी स्मूथ यहीं पे हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है स्किन पे, अगर आप स्किन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। और उसको कहते हैं डन। तो यहाँ पे हमारी स्किन तो हो चुकी है। इसके बाद आपको थोड़ी सी इसमें डॉज एंड बर्न करना है सेलेक्टिव टूल का यूज़ करके। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे चलेंगे इसमें एंड यहाँ से नीचे से एक ग्रेडिएंट लेंगे, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले क्लैरिटी बढ़ा देते हैं और इसका डी एच बढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जो कि बहुत सही लग रहा है, डन। देखो अब आती है हमारी मेन चीज़ कि आप लाइटरूम के अंदर अपनी फोटो में जो लाइट्स आपके बैकग्राउंड से आ रही है, जैसे इस फोटो में ये देखिए, इसको हम कैसे और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं एंड कैसे इसमें ना एक वो ग्लो डाल सकते हैं, जिससे बिल्कुल फेडेड से लगे फोटो एंड वो लाइट का एक ऐसा लगे पीछे बिल्कुल ग्लो हो रही लाइट। तो बहुत ही सिंपल, आपको कैसे करना है, आपको चलना है यहाँ से सेलेक्टिव के अंदर और यहाँ पर ऐड करना है एक सर्कल। तो मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ इस तरीके से, और जस्ट आपको जहाँ पर आपकी लाइट है उसके अराउंड ऐसे ऐड करना है। अब आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ से इस वाले टाइप के अंदर एंड यहाँ पे इसका डी एच बिल्कुल कम कर देना एंड सी, आपके बिल्कुल यहाँ से लाइट ऐसे लगेगी, बिल्कुल यहाँ से बहुत ज़्यादा और लाइट निकल रही है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके इसका जो है सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, और इसका आप टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा सा और रेड टोन में लगे। और अगर आप और चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और एनहांसमेंट आए, तो आप इसका एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये पोल के आगे आगे लाइट, तो इसको कैसे इरेज करते, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे चलेंगे इसमें और ये रहा इरेजर, तो जूम कर लेते हैं और जस्ट आपको इस पोल के ऊपर से ऐसे इरेज कर लेना है, या जो भी पार्ट आपकी फोटो में ऐसे ऊपर आ रहा हो तो वो आपको ऐसे इरेज कर लेना है। ये बहुत सही लग रहा है। इसके बाद सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड से भी करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा चलते हैं, एक और बनाते हैं, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि लाइट यहाँ से एंटर कर रही है मतलब, तो यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। अब हम सेम यहाँ पे जाएंगे, इसका डी एच बिल्कुल कम एंड यहाँ पे आएंगे, इसका सैचुरेशन बढ़ा देंगे, इसका टेम्परेचर प्लस में, और इसका टिंट भी हम छेड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ लाइट बहुत ऐसा लग रही है, बहुत ज़्यादा मूडी या फिर ड्रीमी सी लाइट लग रही है साइड से जो आ रही है इसमें, मतलब फेड लग रहा है। तो ये लाइट बहुत ही सिंपल सी थी पहले, लेकिन इसको जो हमने एनहांस किया ना इसके बाद फोटो में बहुत अच्छी लग रही है लाइट। आप इसको देखिए ध्यान से, तो ये लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ सी चुकी है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पीछे से बैक लाइट आ रही है और काफ़ी कमाल लग रही है फोटो में। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो में जो लाइट्स हैं इसको और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आप इस फोटो में डॉज एंड बर्न भी कर रहे हो तो फोटो आपकी और ज़्यादा बेस्ट बन सकती है। एंड डॉज एंड बर्न आप किसी भी ऐप के अंदर कर सकते हो या फिर आप लाइटरूम के अंदर भी कर सकते हो सेलेक्टिव टूल का यूज़ करके। एंड मैं बेसिकली कैसे करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका मेरे को क्या लगता है, मैं यहाँ पर चलता हूँ मैं जस्ट एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ सब्जेक्ट के आसपास, मैं लेता हूँ एक सर्कल एंड ये रहा सर्कल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसका जो है क्लैरिटी पूरा बढ़ा देता हूँ और डी एच भी थोड़ा बढ़ाता हूँ। सो ये हमारा डी एच भी हो चुका है, क्लैरिटी बढ़ चुकी है, और मैं इसको उस पार्ट से इरेज कर दूँगा जहाँ से हमने लाइट ड्रॉ की थी, वरना हमारा वो पार्ट तो छुप जाएगा लाइट वाला। तो यहाँ पर चलते हैं, इसमें इरेजर को सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो है हम हार्डनेस, इसका फीदर हम बिल्कुल 100% कर देते हैं और साइज़ बढ़ा देते हैं, और जस्ट यहाँ से ऐसे इरेज करेंगे। तो सी, यहाँ से हमने ये लाइट को रेज कर दिया और बाकी हमने पूरी फोटो में जो है डी हेज ऐड कर दिया है। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ एंड डन। तो अब देखिए पूरी फोटो हमारी फाइनल बिल्कुल एडिट हो चुकी है। पहले हमारी फोटो कैसी थी एंड अभी कैसी लग रही है, मतलब बहुत ही, मेरे को तो काफ़ी पर्सनली ये फोटो काफ़ी अच्छी लगी एंड इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसका ट्यूटोरियल या फिर इस टाइप की फोटो आप कैसे एडिट कर सकते हो आपको भी बता दूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कलर ग्रेडिंग की एंड ये लाइट को ड्रॉ करने की, ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वाली फोटो एंड ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा एंड नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बहुत ही कमाल का कॉन्टेंट अभी आने वाला है फ्यूचर वीडियोज़ में, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।